हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर कक्षा एक हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 15। बच्चों, पाठ 15 है ओ की मात्रा। तो बच्चों, कल हमने इस मात्रा को शुरू कर दिया था और हमने कल क से ह तक व्यंजन लिखकर उसमें ओ की मात्रा लगाई थी और उसे पढ़ा और समझा था। हमने ओ की मात्रा लगानी सीखी थी और उसके बाद सही उच्चारण के साथ हमने क से ह तक व्यंजन को पढ़ना सीखा था। तो बच्चों, इस तरह से हमने मात्रा लगाना सीख लिया और उसे पढ़ना भी सीख लिया। आज हम करेंगे जो पृष्ठ संख्या 54 में कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें ओ की मात्रा वाले शब्द हैं, उनको हम यहाँ लिखेंगे और उनको पढ़ने और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, कुछ शब्दों को हमने यहाँ पे कल लिख करके भी सीखा था कि किस तरह से हम इस पर मात्रा लगाते हैं, किस तरह से शब्द बनाते हैं, और आज हम उसे एक बार पहले दोहराते हैं, उसके बाद इन शब्दों को लिख करके हम पढ़ने और मात्रा लगाकर शब्द बनाने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, पाठ है 15 ओ की मात्रा। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला शब्द है त, आधा प्लस ओ की मात्रा प्लस त आ की मात्रा, तोता। और शब्द बना तो त पे आ की मात्रा ता, तोता। उसके बाद हमारे पास है बच्चों दूसरा शब्द, हमारे पास है घोड़ा, घ ओ की मात्रा, ड पर आ की मात्रा, डा, घोड़ा। अब इसी तरह से हम घोड़ा कैसे लिखते हैं वो भी चलिए समझ लेते हैं। घ पे ओ की मात्रा यानी कि घ लिखेंगे, आधा घ, अ की ध्वनि हम घ की हटा देंगे, जो अ घ घ की अ ध्वनि हटाएंगे, घ और अ ध्वनि के साथ हम जोड़ेंगे ओ को, अ के स्वर के जगह पे हम ओ के स्वर को जोड़ेंगे, घ ओ घो, आधा घ ओ घो, और रा र पर आ की मात्रा, ये बना घोड़ा, ये बना घो र पर आ की मात्रा रा घोड़ा। तीसरा शब्द है बच्चों ग, ग पे गो की मात्रा, गो यानी कि ग आधा लिखेंगे हम, उस पे ओ की मात्रा लगाएंगे, आधा ग और ओ गो हो जाएगा। उसके बाद गो, भ पे बड़ी की मात्रा भी, और शब्द बना गो भी, गो भी। उसी तरह से अगला शब्द है हमारा, अगला शब्द आप देख सकते हैं बच्चों म, म है आधा म ओ की मात्रा प्लस र, बना मोर, म पे ओ की मात्रा मो और र, मोर। उसके बाद हमारे पास है ओ, ओ तो मात्रा नहीं है, हमने ओ का प्रयोग किया, ओ ख हो जाएगा ख, और ल पर बड़ी की मात्रा ली, ओखली, शब्द बना ओ ख, ल पे बड़ी की मात्रा ली, ओखली। तो इस तरह से बच्चों इन शब्दों को मिला करके, इन पर ओ की मात्रा लगा करके हमने शब्द बनाना सीखा। तो जिसके साथ भी हम मात्रा लगाते हैं उस शब्द को आधा लिखते हैं, और आधे के साथ मात्रा लगा करके हम उसे पूरा बनाते हैं, और उसके बाद फिर हम शब्द बना और भी व्यंजन जोड़ करके शब्द बनाते हैं। तो ये है त ओ तो, ता तोता, घ ओ घो, डा घोड़ा, ग ओ गो भी गो भी, म ओ मो र मोर, ओ खली ओखली। तो इस तरह से हमने मात्रा लगाना सीखा और उससे शब्द बनाना सीखा। तो चलिए आगे का अभ्यास है, हमारे बुक में कुछ उदाहरण दिए गए हैं ओ की मात्रा वाले शब्दों को। यहाँ पे दो वर्ण वाले शब्द हैं, तीन वर्ण वाले शब्द हैं और चार वर्ण वाले शब्द हैं। तो चलिए इनको लिखते हैं, इनको लिखने और फिर उसके बाद इनको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो हमारे पास है बोल, ब पर ओ की मात्रा, बो ल बोल, कर 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 पढ़ो, प ढ पर ओ की मात्रा पढ़ो, बोल कर पढ़ो,
तो हम इसे पहले लिख लेते हैं फिर बोल बोल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो वर्ण वाले शब्द बच्चों पहले हम लिखते हैं। दो वर्ण में हमारे पास है त पे ओ की मात्रा तो, त पर आ की मात्रा ता, त पे ओ की मात्रा एक पाई एक तिरछी तो ता, तो ता। दूसरा है, दूसरा शब्द हमारे पास है बच्चों घ, घ ओ की मात्रा घो, ड पर आ की मात्रा ड़ा, घोड़ा। उसके बाद हमारे पास है न, न पे ओ की मात्रा नो, ट नोट। फिर उसके बाद हमारे पास है ग, ग पे ओ की मात्रा गो, भ पर बड़ी की मात्रा भी, गोभी। फिर है म, म पे ओ की मात्रा मोर, मोर। तो बच्चों एक पाई एक तिरछी ओ की मात्रा, ये हो गया नो, ट नोट। एक पाई एक तिरछी तो, ता तोता। एक पाई एक तिरछी घोड़ा, घोड़ा। एक पाई एक तिरछी गो भी, गोभी, गो भी, गोभी। एक पाई एक तिरछी मोर, मोर। अब हमारे पास है क, क पे ओ की मात्रा को, ट कोट। क, क पे ओ की मात्रा को, ट कोट। फिर है छ, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पर आ की मात्रा टा, छोटा। स, स पे ओ की मात्रा सो, न पर आ की मात्रा ना, सोना। फिर हमारे, अभी हम बुक के शब्द लिख रहे हैं। फिर हमारे पास है मो ती, म, म पे ओ की मात्रा म, म पे ओ की मात्रा मो, त पर बड़ी की मात्रा ती, मोती। फिर है हमारे पास ट, ट पे ओ की मात्रा टो, प पर बड़ी की मात्रा पी, टोपी। उसके बाद हमारे पास है स, स पर म ओ, स मो, स पर आ की मात्रा सा। ये तीन वर्णों वाले शब्द हैं, स मो सा, समोसा। फिर है हमारे पास ब, ब पे ओ की मात्रा बो, त ल, बोतल। फिर है हमारे पास क, क पे ओ की मात्रा को, य ल, कोयल। फिर है हमारे पास टो, ट पे ओ की मात्रा टो, क र पर बड़ी की मात्रा री, टोकरी। फिर है ल, ल पे ओ की मात्रा लो, म ड पर बड़ी की मात्रा ड़ी, लोमड़ी। फिर है ख, र ग पर ओ की मात्रा गो, श खरगोश। फिर है द, द पे आ की मात्रा दाल, म पे ओ की मात्रा मो, ठ दालमोठ। फिर है अ, ख रो ट अखरोट। ये है अ, ख रो ट अखरोट। फिर है द पे ओ की मात्रा दो, प ह र दोपहर। फिर है स, सो म वा र सोमवार। तो यह कुछ शब्द है बच्चों जो हमारे हमारे बुक में दिए गए हैं, मतलब हमारे पुस्तक में दिए हैं, खुलते पंख में दिए गए। तो चलिए इन शब्दों को एक बार हम देख लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा, हमारा अभ्यास है बोल कर पढ़ो। इन शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है ताकि इन शब्दों को पढ़ के आपको ओ की मात्रा का सही सही उच्चारण आए और आपको लिखना आए। आप किस तरह से मात्रा लगाएंगे और किस तरह से इनको पढ़ोगे। तो मात्रा लगाने का मतलब है हम किसी भी वर्ण के बाद एक लाइन और एक तिरछी टेढ़ी लाइन लगा करके, टेढ़ी लाइन जो है तिरछी, इसको हम कहते हैं, हम इसको सर के ऊपर लगाएंगे यानी माथे के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे नो हो जाएगा, न पे ओ की मात्रा न और ओ, नो ट नोट। त और ओ तो, ता तोता। घ ओ घोड़ा, घोड़ा। ग ओ गो भी, गो भी। म ओ मोर, मोर। क को ट कोट। छ ओ छोटा,
छोटा, स ओ सो ना सोना, म ओ मोती मोती, ट ओ टोपी टोपी, स मो सा समोसा, बो तल बोतल, को य ल कोयल, टो करी टोकरी, लो ओ की मात्रा लो, ल ओ लो मरी लोमड़ी, खरगोश खरगोश, दाल मोठ दाल मोठ, अखरोट अखरोट, दोपहर दोपहर, सोमवार सोमवार। तो अ की मात्रा ओ की मात्रा यानी एक ला एक पाई, और एक पाई हम कहाँ लगाते हैं, किसी भी वर्ण के बाद लगाते हैं। आप सोमवार को आप देख लीजिए, हमने स लिखा, एक पाई लगाई और ऊपर एक तिरछी लगाई, तो ये हो गया सोमवार। उसी तरह से द पे एक पाई एक तिरछी, दोपहर दोपहर। उसी तरह से अ ख र पे ओ की मात्रा रोट अखरोट, द पे आ की मात्रा दाल मोठ दाल मोठ, खरगोश ग पे ओ की मात्रा श खरगोश, ल पे ओ की मात्रा लो मड़ी लोमड़ी। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमने ओ की मात्रा लगाई है, जिस भी व्यंजन के साथ हमने ओ की मात्रा लगाई है, उस व्यंजन को हम ओ के स्वर के साथ पढ़ेंगे। और उसके बाद ओ की मात्रा एक पाई और एक तिरछी द्वारा लगाते हैं, ये है ओ। ओ से ओखली आपने पढ़ा होगा। अब ओ की मात्रा एक पाई यानी एक लाइन, एक लाइन कहाँ लगाते हैं, किसी भी व्यंजन के बाद, किसी व्यंजन को लिखने के बाद एक लाइन खींचते हैं और उसमें हम एक तिरछी लगाते हैं। उसके बाद की मात्रा, अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, न पे ओ की मात्रा नो ट नोट, त पे ओ की मात्रा तो ता तोता, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा घोड़ा। अब सभी में जिस पे भी हमने ये मात्रा लगा, इसमें ओ की ध्वनि आ रही है, यानी ओ का स्वर आ रहा है। क्यों ओ का स्वर आ रहा है, क्योंकि हमने ओ की मात्रा लगाई है। तो यहाँ पे हमने दो व्यंजन मिला करके शब्द बनाए हैं, दो व्यंजन वाले शब्द बनाए हैं या दो वर्ण वाले शब्द बनाए हैं, हमने तीन वर्ण वाले शब्द भी बनाए हैं और चार वर्ण वाले भी शब्द बनाए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो ओ की मात्रा लगाई है, व्यंजन के बाद एक पाई और एक तिरछी लगा करके बनाई है, और उसके बाद हमने हम इसको जिस व्यंजन पे ये मात्रा लगी है उसको ओ के ध्वनि के साथ या ओ के स्वर के साथ पढ़ते हैं। तो चलिए एक बार और हम पढ़ लेते हैं, नो ट नोट, त पे ओ की मात्रा तो ता तोता, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा घोड़ा, ग पे ओ की मात्रा गोभी गोभी, म पे ओ की मात्रा मोर मोर, क पे ओ की मात्रा कोट कोट, छ पे ओ की मात्रा छोटा छोटा, स पे ओ की मात्रा सोना सोना, म पे ओ की मात्रा मोती मोती, ट पे ओ की मात्रा टोपी टोपी, स म पे ओ की मात्रा मो, स पर आ की मात्रा सा समोसा, ब ब पे ओ की मात्रा बो त ल बोतल, क क पे ओ की मात्रा को य ल कोयल, ट ट पे ओ की मात्रा टोकरी टोकरी, ल ल पे ओ की मात्रा लो मड़ी लोमड़ी, ख र ग पे ओ की मात्रा गो श खरगोश, द द पे आ की मात्रा ल मोठ दाल मोठ, अखरोट अखरोट, दोपहर दोपहर, सोमवार सोमवार। तो इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे पढ़ा, इनकी मात्रा इन पर मात्रा लगाया, इनको लिखना और पढ़ना दोनों सीखा। तो आप इनका अभ्यास करेंगे, इनको दो तीन बार बोल बोल करके पढ़ेंगे और आपको तभी आएगा, क्योंकि भाषा है बच्चों, मात्रा आपको तभी आएगा जबकि आप इसे कई बार बोल बोल करके पढ़ते हैं और लिखने का अभ्यास करते हैं। उसके बाद बच्चों मात्रा एक बार आ जाएगी तो आप कभी भी किसी भी तरह के शब्द लिखने में गलती नहीं करेंगे। तो बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसी के ठीक नीचे हमें एक और अभ्यास दिया गया है, आप देख सकते हैं अगला हमारा अभ्यास है लिखो। जैसा कि हमेशा हम करते हैं, पाठ में पहले शब्द होते हैं उसके नीचे अभ्यास लिखो होता है। तो चलिए तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है लिखो। यहाँ पे दिया गया है ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पर ओ की मात्रा खो,
लिखो। अब यहाँ पे कुछ जो व्यंजन है जिस पर ओ की मात्रा लगी है वो बिंदियों द्वारा लिख करके दिए गए हैं, हमें इन बिंदियों को मिला करके लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला शब्द है स, स पे ओ की मात्रा सो, आप इस पर लिखेंगे और इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारे पास है ज, ज पे ओ की मात्रा जो, ज, ज पे ओ की मात्रा जो। फिर है ल, ल पे ओ की मात्रा लो। उसके बाद हमारे पास है द, द पे ओ की मात्रा दो। फिर है ब, ब पे ओ की मात्रा बो। और बच्चों वैसे तो हर बार हमें जो ऊपर व्यंजन दिए होते हैं उसी से शब्द बनाकर दिए होते हैं नीचे भी, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे शब्द नीचे दिए गए हैं। तो चलिए हम एक लाइन इसके लिए छोड़ देते हैं, हम शब्द बनाएंगे। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे दिया है घ, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। अब आप ड के नीचे बिंदी है और घ पे ओ की मात्रा है घोड़ा, इसको भी आप बिंदियों को मिला करके लिखने का अभ्यास करेंगे और उसके बाद पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो ये हो गया घोड़ा। घोड़ा के बाद हमारे पास है ड, ड पे ओ की मात्रा डो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, इसको भी बिंदियों द्वारा लिखा गया है, आप इस पर लिख करके लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पहले इसको लिखेंगे उसके बाद उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है क, ट पे ओ की मात्रा टो, र पे बड़ी की मात्रा कटोरी, ये हो गया कटोरी, कटोरी। उसके बाद है म, म पे ओ की मात्रा मो, च पे बड़ी की मात्रा ची, मोची, मोची। उसके बाद एक और शब्द है लोटा, ल, ल पे ओ की मात्रा और ट पर आ की मात्रा लोटा। तो इस तरह से इन ये सभी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं ये आपको बिंदियों द्वारा दिए गए हैं, आप इस इनके ऊपर लिख करके लिखने का अभ्यास करेंगे और फिर उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, फिर जो के बाद लो है, फिर द पे ओ की मात्रा दो है और उसके बाद ब पे ओ की मात्रा बो है। अब देख सकते हैं आप ये सभी ओ की मात्रा के साथ वर्ण लिखे हैं, इन वर्णों से हम शब्द बनाएंगे, जबकि आपको नहीं बोला गया, आपको सिर्फ बिंदियों द्वारा लिख करके लिखने का अभ्यास करने को बोला गया है, लेकिन हम इनसे शब्द बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चों स पे ओ की मात्रा सो, सो, न पे आ की मात्रा ना, सोना। उसके बाद है ज, ज पे ओ की मात्रा जो, र, जोर। उसके बाद है ल, ल पे ओ की मात्रा ग, लोग। उसके बाद है द पे ओ की मात्रा दो, न पे आ की मात्रा ना, दोना। फिर है ब, ब पे ओ की मात्रा बो, त और ल। इस तरह से जो भी वर्ण हमने ऊपर लिखे हैं उनके नीचे उनसे बनने वाले शब्द लिखे हैं। ज पे, स पे ओ की मात्रा सो, स पे ओ की मात्रा सो, न पे आ की मात्रा ना, सोना। ज, ज पे ओ की मात्रा जो, र, जोर। ल, ल पे ओ की मात्रा लो, ग, लोग। द, द पे ओ की मात्रा दो, न पे आ की मात्रा ना, दोना। ब, ब पे ओ की मात्रा बो, त, ल, बोतल। उसके बाद है नीचे शब्द दिए गए हैं घ, घ पे ओ की मात्रा घोड़ा, घोड़ा। और घ से और भी हम शब्द बना सकते हैं घो, र, घोर। उसके बाद बनेगा डो, ली, डोली, डो, ल, ना, डोलना, डोलना भी हो सकता है। कटोरी, कटोरी, टो, ली भी हो सकता है, ट पे ओ की मात्रा टो, ल पे बड़ी की मात्रा ली, टोली। म, म पे ओ की मात्रा मोची, म, म पे ओ की मात्रा मो, र, मोर। लो, टा, ल, ल पे ओ की मात्रा लो, ट पर आ की मात्रा टा, लो,
लो लो न भी हो सकता है, चलो लो नहीं लिख लिया, लो न। तो इस तरह से हमने यहाँ पे शब्द बनाए और ओ की मात्रा लगा करके शब्द बनाए, और एक बार फिर हमने ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके उनको लिखने और पढ़ने का अभ्यास किया। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, स एक पाई एक तिरछी, और ये मात्रा हमेशा किसी भी व्यंजन के बाद में लगता है। स एक पाई एक तिरछी सो, ज एक पाई एक तिरछी जो, ल एक पाई एक तिरछी लो, द एक पाई एक तिरछी दो, ब एक पाई एक तिरछी, पाई मतलब एक लाइन और व्यंजन के बाद, तो हो गया वो। स पे ओ की मात्रा सो, न पर आ की मात्रा ना सो ना, ज ज पे ओ की मात्रा जो, र जोर, ल ल पे ओ की मात्रा लो, ग लोग, द द पे ओ की मात्रा दो ना दो ना, ब ब पे ओ की मात्रा बो त ल बोतल, घ घ पे ओ की मात्रा घोड़ा घोड़ा, ड ड पे ओ की मात्रा डोली डोली, क ट पे ओ की मात्रा टो, र पे बड़ी की मात्रा री कटोरी, म म पे ओ की मात्रा मोची मोची, ल ल पे ओ की मात्रा लोटा लोटा, ल पे ओ की घ पे ओ की मात्रा घोर घोर, ड ड पे ओ की मात्रा डोलना डोलना, ट ट पे ओ की मात्रा टोली टोली, म म पे ओ की मात्रा मोर मोर, ल ल पे ओ की मात्रा लो न लोन। इस तरह से बच्चों हमने कई सारे शब्द बनाए, इनको लिखना भी सीखा और पढ़ना भी सीखा। मुझे उम्मीद है अब आपको शब्द बनाने आ गए होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ शब्द बनाने के बाद और देखते हैं आगे, आगे पाठ भी हमारे पास ओ की मात्रा की, जैसा कि हम हर मात्रा के बाद कोई ना कोई पाठ पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास ओ की मात्रा के बाद कुछ पाठ दिए गए हैं। उससे पहले आप जैसा कि जानते हो अब हमको शब्द बनाना आ गया, अब इन शब्दों को जोड़ करके हम वाक्य बनाएंगे। तो चलिए आज हम 10 वाक्य बनाते हैं ओ की मात्रा वाले वाक्य। अ पे ओ की, ओ क पे बड़ी की मात्रा की मात्रा, म पे आ की मात्रा मात्रा, वाले व पर आ की मात्रा वा, ल पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा वाले वाक्य, व आधा क और य वाक्य। अब हम में मात्रा लगाना आ गया, मात्रा लगाकर शब्द बनाना आ गया, अब हम इन पर हम इन शब्दों से वाक्य बनाएंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं सबसे पहले हम वाक्य बनाएंगे, कोयल क पे ओ की मात्रा को य ल गाना गा रही है, क क पे ओ की मात्रा को य ल कोयल, ग पे आ की मात्रा गा, न पे आ की मात्रा ना, कोयल गाना, ग पे आ की मात्रा गा, र ह पे बड़ी की मात्रा रही है, कोयल गाना गा रही है, कोयल गाना गा रही है। यहाँ ओ की मात्रा का शब्द है, क पे ओ की मात्रा को य ल कोयल। अब दूसरा वाक्य है, आप देख सकते हैं पहले में हमने एक शब्द का प्रयोग किया है कोयल, दूसरे में है खरगोश, ख र ग पे ओ की मात्रा गो श खरगोश, खरगोश गाजर गा ज र गाजर, खा ता है खरगोश गाजर खाता है, खरगोश को गाजर बहुत पसंद होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं खरगोश गाजर खाता है, ओ की मात्रा वाला शब्द। अब तीसरे में हम लिखेंगे दोपहर, द दो प ह र दोपहर, को क पे ओ की मात्रा को दोपहर को, ह म हम, स पे ओ की मात्रा सो, ते ह पर ए की मात्रा हैं सोते हैं, सोते ओ की मात्रा है, को पे ओ की मात्रा है और दोपहर में भी ओ की मात्रा है। उसके बाद आप देख सकते हैं
चार सोमवार, स पे उ की मात्रा सो म वा र सोमवार, सोमवार के दिन, सोमवार के दिन, मैं सोमवार के दिन मैं समोसा, समोसा खाऊंगा, खाऊंगा सोमवार के दिन मैं समोसा खाऊंगा। तो यहाँ पे सोमवार भी है और समोसा भी है। उसके बाद है मोहन पांच में हम लिखेंगे म पे ओ की मात्रा मो ह न मोहन बोतल भर ला मोहन बोतल भर ला मोहन और बोतल यहाँ दो शब्द हैं जिनमें ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला है सोहन छठा वाक्य है स पे ओ की मात्रा सो ह न सोहन बाजार सोहन ब पे आ की मात्रा बा जा र बाजार से गोभी और समोसा समोसा ला। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पे अभी तो हमने छह वाक्य लिखे। पहला वाक्य देखते हैं क्योंकि हमने शब्द बनाना सीख लिया, शब्द बना करके उसे पढ़ना सीख लिया। अब हम यहाँ शब्दों को जोड़ करके ओ की मात्रा वाले शब्दों को लिख करके वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने किसी ने एक, किसी दो, किसी ने तीन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाने की कोशिश की है। चलिए एक बार इसे पढ़ते हैं। कोयल गाना गा रही है। खरगोश गाजर खा रहा है। दोपहर को हम सोते हैं। यहाँ दोपहर भी है और को भी है और सोते भी है। दोपहर को हम सोते हैं। सोमवार के दिन मैं समोसा खाऊंगा। मोहन बोतल भर ला। मोहन है, बोतल है, भर ला। सोहन बाजार से गोभी और समोसा ला। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे छह वाक्य लिखे हैं। चलिए कुछ और वाक्य लिखते हैं। आप जो भी यहाँ पे शब्द दिए हैं आप उनसे भी शब्द बना सकते हैं। जैसे कि मोर ओ की मात्रा का शब्द है। मोर कोयल। अब चलिए बनाते हैं सात। मोर म पे ओ की मात्रा मोर और र को और र और कोयल पेड़ पपे की मात्रा पेड़ पर बैठे हैं। मोर और कोयल पेड़ पर बैठे हैं। मोर भी ओ की मात्रा वाला शब्द है और कोयल भी ओ की मात्रा वाला शब्द है। मोर और कोयल पेड़ पर बैठे हैं। उसके बाद रोहन अखरोट खा। आठ पे र पे ओ की मात्रा रो ह न रोहन अखरोट ख पे आ की मात्रा खा। इस तरह से बच्चों
हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। जो भी शब्द हमने आज पढ़े उन्हीं शब्दों को लेकर के हम वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ओ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनाए। अब मुझे उम्मीद है कि आप ओ की मात्रा वाले शब्दों मात्रा लगा करके शब्द भी बना सकते हैं, वाक्य भी बना सकते हैं, और इन्हें लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो बच्चों, जो भी आज अभ्यास हमने किया उसे आप जोर जोर से बोल करके पढ़ेंगे, और पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करें, क्योंकि मात्रा है, पढ़ना भी आना चाहिए और हमें लिखना भी आना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, करके वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।